बकरी बरामा में एक अधेड़ की मौत, शराब पीने से हुई मौत जताई जा रही है आशंका। बकरी बरामा से विजय पांडे की रिपोर्ट। मामला पकरी बरामा प्रखंड के डुमरामा गांव का है, जहां बेटे की शादी बारात लौटकर आने के बाद 50 वर्षीय अधेड़ धनु डोम की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बताया जाता है कि देर रात्रि को मृतक अपने पुत्र महेंद्र कुमार के शादी समारोह में बारात लेकर हिसुआ थाना क्षेत्र के मटुक बिघा गांव गया था, जहां सुबह घर वापस आने के बाद वह गाँव में सुबह निकला और घर वापस आकर सोया। अचानक परिवार के लोगों ने जब उसे उठाया तो देर दोपहर उसकी मौत हो चुकी थी। मामला इतना तूल पकड़ लिया कि किसी ने पकरी बरामा थाना सहित जिले के आला अधिकारी को शराब से हुई मौत की सूचना दी। इसके बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना की खबर के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार, अंचल अधिकारी नरेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष नागमणि भास्कर सर्वप्रथम गाँव पहुँचकर मामले का हाल लिया और परिजनों से पूछताछ की। तदुपरांत SDPO मुकेश कुमार साहब भी गांव पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। SDPO ने बताया कि अनुमंडल अनुमानता ठंड से उसकी मौत हुई है। बाद में ग्रामीणों के सहयोग से सबको अपने कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया गया है। शराब पीने से हुई मौत की खबर के बाद उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद देर शाम को घटनास्थल पर पहुँचे एवं मामले का हाल लिया एवं परिजनों से भी पूछताछ की। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि मामला संदेहास्पद है, सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि फिलवक्त ठंड से मौत होने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है, उत्पाद विभाग की टीम इस क्षेत्र में भी पहल कर रही है। मृतक धनु डोम के घर में जहाँ बेटे की शादी का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि पिता की अर्थी घर से उठ गई, जिसके कारण परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मृतक अपने पीछे तीन पुत्री एवं दो पुत्र सहित पत्नी वर्ती देवी को पीछे छोड़ गया है। घर के कमाऊ सदस्य की मौत के बाद परिवार के लोगों पर पहाड़ टूट पड़े हैं। हालांकि घटना की खबर पर पंचायत की मुखिया रिंकू देवी पीड़ित परिवार को कबीर अंत्येष्टि के तहत 3,000 रुपये नगद प्रदान किए एवं दुख की घड़ी में धैर्य से काम लेने की सलाह दी। शहर और गाँव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।